हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज ये हमारे पास एक लैपटॉप आया है जिसका मॉडल है डेल लेटीट्यूड 3480। तो बैक साइड में इनके मॉडल लिखे रहते हैं, कुछ के फ्रंट पे भी लिखे रहते हैं, कुछ के फ्रंट पे स्क्रीन पे यहाँ लिखे रहते हैं, कुछ के टच पैड पे लिखे रहते हैं। तो हमने बताई ये बात आपको कि मॉडल कहाँ से देखते हैं। दूसरी बात, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, हमारे पास जो लैपटॉप आया है इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसमें प्रॉब्लम आ रही है जब हम इसको ऑन करते हैं तो हमारा बूट सीक्वेंस इधर उधर हो जाता है, हमारी विंडो नहीं चलती है जब हम इसको बंद करके रख देते हैं। तो ये आप देखोगे हम हमारा बूट सीक्वेंस नहीं चल रहा है, हमारी विंडो नहीं चल रही है। जब हम इसकी सेटिंग करेंगे बायोज की तो हमारी विंडो चल जाती है, तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं। बायोज में आ गए हैं, बायोज में कैसे आते हैं ये हम आपको बता दें। मशीन को बंद करो, बंद करके डेल की मशीन है तो F12 पर F2 प्रेस करो, और आपकी मशीन जो यदि है HP वगैरह की तो F9 और F10 प्रेस करो, Lenovo है F12 प्रेस करो। तो सबके अपने अलग अलग होते हैं, सबकी अपनी अलग अलग कमांड होती है, तो इसमें हम डेल में आए हैं F2 प्रेस करके। तो अब हम इसकी सेटिंग चेंज करते हैं, जो हमारी बूट सिक्वेंस इसका खराब हो रखा है। बूट सिक्वेंस में जाके हम इसको UEFI पे सेलेक्ट करते हैं, ये लगेसी पे हो रखा है। और आप देखोगे हमारी विंडो चलनी शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम क्यों आती है, इस प्रकार की प्रॉब्लम तब आती है जब हमारी बायोज की सेटिंग सेव ना रहती हो, जब हमारी बायोज की सेटिंग रीसेट हो जाती है ऑटोमेटिक। वो रीसेट क्यों होती है, वो रीसेट इसलिए होती है कि हमारा सीमोस सेल जो होता है, जो इस सेटिंग को सेव करके रखता है, जो एक बैटरी होती है चार्जेबल उसकी, उससे ही ये हमारी सारी सेटिंग सेव रहती है, उसकी वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम आती है। और ये यदि खराब हो जाती है सेल तो ये हमें प्रॉब्लम सेट दोबारा फेस करनी पड़ती है। तो हम दिखाते हैं इसकी सीमोस हम कैसे चेंज करते हैं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई समस्या आ रही हो तो आप सूरज कंप्यूटर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम खोल के इसको दिखाते हैं कि इसकी सीमोस कैसे चेंज कर सकते हैं हम डेल लेटीट्यूड 3480। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। डेल लेटीट्यूड की यदि हम बात करें कि डेल लेटीट्यूड मशीन कैसी होती है, लेटीट्यूड जो होता है कमर्शियल सीरीज है डेल की, और ये इस तरह की मशीन डिजाइन होती है कि आप इस पर कितनी भी देर काम कर सकते हैं, कैसा भी काम कर सकते हैं, टाइमिंग की कोई वो नहीं है कि इसको ये 10-10, 15-15 घंटे लगातार मशीन चल जाती है। तो हम बात करते हैं इसके डेल लेटीट्यूड की परफॉर्मेंस की। डेल लेटीट्यूड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, हैवी ड्यूटी मशीन होती है, किसी भी प्रकार का आप काम कर सकते हैं। तो आप ये देखोगे ये हमारी सीमोस सेल है इसकी, ये कनेक्टर वाली सेल होती है, इसको आप भी यूज कर सकते हैं, ऐसे हटा के दूसरी सेल लगानी होती है इसमें, कोई भी बंदा इस सेल को चेंज कर सकता है, ये नॉर्मल सेल होती है। वैसे यदि आपके पास ना मिले तो इसमें हम क्या करते हैं, ये सेल वैसे तो अब मार्केट में अवेलेबल है, यदि ये सेल आपको ना मिले तो हम इसमें क्या करते हैं, नॉर्मल वाली सेल लेके भी हम इसको इसका कनेक्टर इसमें जोड़ के डिसोल्डिंग वगैरह करके लगा सकते हैं। और इस प्रकार कोई भी आपका सीमोस वगैरह का एरर आ रहा हो तो आपको सबसे पहले सीमोस चेंज सेल करनी चाहिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।